यूट्यूबर एल्विश यादव ने सरेआम अनजान शख्स को जयपुर के एक रेस्टोरेंट में थप्पड़ मारा। ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है और एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। हालांकि पहली बार नहीं है कि एल्विश यादव के ऊपर कोई इस तरीके की कंट्रोवर्सी सामने आई है। आज आपको एल्विश यादव की चोरी का एक मामला भी इस रिपोर्ट में बताएंगे। एल्विश यादव की चोरी का मामला तब सामने आया था जब गुरुग्राम में G20 की सजावट के लिए रखे गए गमलों को चोरी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में मनमोहन यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन लोगों ने फोटो और वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया कि जिस कार में गमले चोरी किए गए हैं वो कार एल्विश यादव की थी या तो वो इसे इस्तेमाल करते थे। कई यूजर्स ने यह भी कहा था कि एल्विश यादव के तिजारा वाले मीट के वीडियो में गमले चोरी के वीडियो में जो गाड़ी का नंबर दिखाई दे रहा है साफ वही नंबर वाली गाड़ी एल्विश ने इस्तेमाल की थी। हालांकि इस नंबर में क्या सच्चाई है, क्या वही गाड़ी थी, इसके बारे में अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की, लेकिन दावा ये किया जा रहा था कि एल्विश यादव के इस्तेमाल की गई गाड़ी में ही ये चोरी हुई थी। हालांकि एल्विश ने बाद में आकर इस पर सफाई देते हुए कहा कि गमला चोरी से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं था।